हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट एल्डिहाइड में आज हम लोग पार्ट 7 में हैं, लेक्चर नंबर 7 में हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के स्पेसिफिक रिएक्शंस का आज की क्लास में स्टडी करेंगे। नाउ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, अर्थात एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि जब हम एल्डिहाइड्स को सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात ये एल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक अम्लों में अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए एक रिएक्शन के माध्यम से इसे समझते हैं। तो पहले मेन रिएक्शन, देन इसका एग्जांपल। सपोज दैट एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड एच आर सी एच ओ ऑक्सीडाइज्ड बाय नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 एंड इन एसिडिक मीडियम H2SO4 और ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, इस सिमेट्रिकल कार्बन पर एडिट होगा, देन CHO ग्रुप का कन्वर्सेशन हो जाएगा COOH में। तो इस तरह का चेंजमेंट एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, देन आपका जो मेन कंपाउंड है वो बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, या हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं R COO एच। तो ये आर सी एच ओ के चेंजमेंट्स हो गए आर सी ओ ओ एच में। इस प्रकार से ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बोक्सिलिक अम्लों का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड एच, या इसे लिखते हैं सी एच थ्री सी एच ओ एस्टल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज कराते हैं नेसेंट ऑक्सीजन से इन द सेम प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम H2SO4, देन इट मेक्स CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड OH, या इसे लिखते हैं CH3 COOH और सेम प्रेजेंस है Na2Cr2O7 एंड इन द सेंस ऑफ H2SO4 एसिडिक मीडियम। तो स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीकरण द्वारा अपने आप को कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ से एक कन्वर्जन कंप्लीट हुआ कि एल्डिहाइडों से कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कैसे करेंगे, देन आप ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन यहाँ पर आंसर में सबमिट कर सकते। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन। इस अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट है कि जब एल्डिहाइडों की क्रिया कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में हैलोजनों से कराते हैं, सपोज दैट क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो कॉमनली इन्हें एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, देन मॉलिकुलर फॉर्म में X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हैलोजनों से कराते हैं तो ये पहले मध्यावयी यौगिक देते हैं जो NaOH से रिएक्ट करके हेलो फॉर्म, जैसे Cl का आपने प्रोडक्ट लिया तो क्लोरोफॉर्म, Br का लिया तो ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन का लिया तो आयडोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। देन यहां इस रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट है वो हेलो फॉर्म प्रोडक्ट होता है और इनके एग्जांपल मैंने लिए जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे ब्रोमोफॉर्म, जैसे आयडोफॉर्म, देन रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एस्टल्डिहाइड CH3CHO का रिएक्ट कराते हैं हैलोजेंस के रूप में आयोडीन से I2 से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इस NaOH की प्रेजेंस में यहां से 3 एटम्स ऑफ आयोडीन एडिट होंगे और मध्यावयी यौगिक बनाएंगे CI3CHO और ये 3 हाइड्रोजन्स
और यहाँ बचे हुए 3 आयोडीन्स HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के रूप में पृथक हो जाएंगे। अब यहाँ जो ये मध्यावयी यौगिक बना Ci3CHO, इसका रिएक्ट कराते हैं NaOH से। तो मैंने कहा आपको हेलोफॉर्म प्रोडक्ट मिलेंगे, हेलोफॉर्म का कॉमन फार्मूला होगा CX3, CHX3। और फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा आपसे CHCl3 फॉर क्लोरोफॉर्म एंड CHBr3 फॉर ब्रोमोफॉर्म एंड CHI3 फॉर आयोडोफॉर्म, ऑल आर नोन एज हेलोफॉर्म। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद हेलोफॉर्म प्राप्त हुआ। देन Ci3CHO react with NaOH and to form CHI3। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इस पार्ट से एडिट होगा, देन फॉर्मेट सोडियम का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और मुख्य उत्पाद के रूप में यहाँ से आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा जो कि हेलोफॉर्म प्रोडक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइडो का अपचयन। रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होगा एल्डिहाइड्स को प्लेटिनम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और अदर कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन कराते हैं तो ये प्राइमरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात एल्डिहाइडो का अपचयन कराने पर प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि एल्डिहाइडो से एल्कोहलों का निर्माण कैसे करते हैं, देन आप फॉर्मेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉमन एल्डिहाइड रिडक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम आर निकल आर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन हाइड्रोजन के एडिट हो जाने से इस कार्बन की सिमेट्री CH2 की होगी और देन ये वाला पार्ट कंजुगेट होकर के इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, फॉर्मूला बनेगा RCH2OH एंड RCH2OH आर 1 degree टाइप ऑफ एल्कोहल। जैसे CH3CHO रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, सेम प्रेजेंस प्लेटिनम आर निकल आर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, हाइड्रोजन एडिट होगा और इसे कन्वर्ट करेगा, आर की जगह में CH3 ग्रुप होगा CH3CH2OH और इस तरह से एथेनॉल प्राप्त होगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आल्सो यूज्ड इन नॉमिनेशन रिएक्शन। इसका कॉन्सेप्ट है कि यह अभिक्रिया जिंक अमलगम यानी ZnHg के मिक्सचर और HCl की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है और यहाँ इस रिडक्शन द्वारा एल्केनो को प्राप्त करते हैं, यानी एल्डिहाइडो का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केन्स प्राप्त। फॉर एग्जाम्पल एस्टरडिहाइड CH3CHO का रिडक्शन हाइड्रोजन द्वारा कराते हैं नेसेंट हाइड्रोजन से, तो जिंक अमलगम यानी ZnHg और कंसेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में यह रिड्यूस होता है और एल्केन्स के रूप में एथेन का फॉर्मेशन करता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ से तो CH3 है ही और 2 हाइड्रोजन्स एडिट होकर के सेकेंड CH3 बनाते हैं, जबकि 2 हाइड्रोजन्स एंड सिंगल ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन का सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊं,
यह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या KOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म करते हैं तो ये वी अनुपातीकरण द्वारा अपने को रिडक्ट कर लेते हैं और जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया में से हमें ट्रू प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात कि इस अभिक्रिया में एल्डिहाइडों के टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं यानी दो अणु पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से एक का परिवर्तन कार्बोक्सिलिक अम्लों में हो जाता है और दूसरे अणु का परिवर्तन एल्कोहलों में हो जाता है, अर्थात अपचयन द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं और एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देन इस रिएक्शन को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसे एक केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO के ट्वाइस मॉलिक्यूल्स HCHO एंड HCHO। तो यही मैं कह रहा था आपको कि यहाँ दो अणु एल्डिहाइडो के पार्टिसिपेट करते हैं, सिमिलर आर डिसिमिलर। देन HCHO रिएक्ट विथ HCO एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो दो पार्ट जो प्रोडक्ट के हैं वे अपचयन के मुख्य उत्पाद होते हैं, उनमें पहला एल्कोहलिक होगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। तो जैसे इस रिएक्शन में अपचयन द्वारा फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में आपको मेथनॉल प्राप्त होगा जो कि 1 डिग्री टाइप का एल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, इसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जबकि सेकेंड HCOONa सोडियम फॉर्मेट और यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का उत्पाद होगा। देन इस रिएक्शन को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ऑल रिएक्शंस आर क्लियर्ड। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ इनके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे।